एनर्जी के लेटेस्ट अलर्ट्स और आज आपके साथ एक न्यू जानकारी शेयर करना चाहते हैं। ये इन्फॉर्मेशन जॉब्स के रिलेटेड है, जो JKSSB ने न्यू जॉब्स है, JKSSB को न्यू जॉब्स जो अभी आएंगी आने वाले वक्त में, तो उनके रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई थी सोर्सेज के थ्रू, तो वो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो JKSSB में न्यू 1000 पोस्ट आने वाली हैं, 12th पास और ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट होंगी। और JKSSB SI एग्ज़ाम डेट्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। और चलिए तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम JKSSB की जो न्यू 1000+ पोस्ट आएंगी, जो JKSSB को पोस्ट निकालनी है आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स अप्रैल के बाद, तो उसके बारे में बात करते हैं। जो कि पिछले कुछ दिन में जो LG साहब ने अपने ट्विटर पे ट्वीट करके बताया था कि 13,000 पोस्ट हम JKSSB को रेफ़र कर रहे हैं, तो उसी के कुछ रिलेटेड ये पोस्ट्स हैं जो JKSSB कुछ ही आने वाले टाइम में अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे डालेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के स्टार्ट में ये बता दें कि ये जो पोस्ट है वो PWD डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, RNB, HRM सेक्शन के तहत होंगी। और ये वैकेंसीज जो हैं ये इन्होंने लिखा हुआ है, जो इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके तहत तो इन्होंने लिखा है कि उन्होंने रेफरल ऑफ वैकेंसीज, जो वैकेंसीज रेफ़र की हैं JKSSB को रेफ़र कर दी हैं नेक्स्ट ईयर के तहत, तो उसका परफॉर्मर नीचे दिया है। और इन्होंने लिखा है कि मे काइंडली डेटेड 8/2/2020 को इन्होंने ये भेजी थी। तो इन्होंने सारी टोटल वैकेंसीज के बारे में बताया है, उनकी पोस्ट के बारे में बताया है। तो सबसे पहले इन्होंने JEE की पोस्ट इन भेजी थी, जूनियर इंजीनियर की इनको डिमांड है। 855 पोस्ट टोटल पोस्ट भेजी थी, जिसमें से ओपन मेरिट के लिए 428 पोस्ट अभी एडवर्टाइज हो सकती हैं। PSP के लिए 35 पोस्ट है, SC के लिए 68, RB के लिए 85, RBA के लिए, ST के लिए 86 पोस्ट होंगी, LAC के लिए 34, EWS के लिए 85 पोस्ट एंड OBC के लिए 34 पोस्ट होंगी। टोटल 855 पोस्ट जूनियर इंजीनियर सिविल की। तो इसमें जो Schedule 2 ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स उसके तहत आएंगी ये, और बाकी इन्होंने अपना डॉक्यूमेंट्स बताए। और जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की भी हैं पोस्ट, 96 पोस्ट है, जिसमें से 8 PSP के लिए आएंगी, SC के लिए 16 होंगी, RBA के लिए 19, ST के लिए 19, LAC के लिए आई और IB के लिए 7, और EWS के लिए 8, और सॉरी बीच में मैसेज आ गया। तो ये इनक्लोज वगैरह इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। और नेक्स्ट पोस्ट जो होंगी, नेक्स्ट जो पोस्ट हैं वो 12th बेस्ड के लिए इन्होंने डाली हैं, तो उसका परफॉर्मर की वैकेंसी अभी ये डालेंगे, वो भी पोस्ट अभी रेफ़र की जाएंगी। तो नेक्स्ट अपडेट जो आपके लिए है वो JKSSB SI एग्ज़ाम्स के रिलेटेड है। तो उस पोस्ट के में यही है कि जो JKSSB जो हमें अपने अपनी सूत्रों से पता चला है, जो हमारे नेटवर्क्स के तहत हमें पता चला है कि जो JKSSB एग्ज़ाम्स के लिए डेट्स जो अपडेट उन्होंने की थी, एग्ज़ाम्स तभी होंगे जो उन्होंने अभी निकाले थे पिछले CVTs। तो जो भी बच्चे JKSSB का फॉर्म फिलअप किया है तो वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि JKSSB SI का एग्ज़ाम अभी स्टार्ट होने वाला है, हो जाएगा कुछ ही आने वाले दिन टाइम में, मार्च में ये एग्ज़ाम आप कंडक्ट कर देंगे। और फिर इनको, क्योंकि इनको अभी आगे में पोस्ट एडवर्टाइज़ करनी है, जो इनके रिक्रूटमेंट रूल्स शेड्यूल जो किए हैं सेकंड, जिसमें 13,000 पोस्ट, तो वो भी अभी आ रहे हैं। तो तब तक के लिए जो जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल्स पे, सबसे पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी थैंक यू, जय हिंद।